उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का न्यू व्लॉग है और इस वक्त मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ। एक तो ये कि जो हैच में हमारा पुराना मीटर था उसका वो जो ट्रिप वाला मीटर आता है, रीडिंग जो दिखाता है आपको ट्रिप की, तो वो बेसिकली मिसिंग था। तो एक दूसरा एक्स्ट्रा मीटर था हमारे पास, तो मैंने बोला उसको कंप्लीट कर लें ताकि चीज़ पूरी हो। देखते हैं उसको रखना है या सेल आउट करेंगे, फिर देख लेंगे। लॉन्ग गेज वाला है, 200 स्पीड थी उसकी, 9000 RPM वाला। तो हमने चेंज इसलिए किया था क्योंकि हमारी गाड़ी में 240 वाला लगना था। और साथ साथ हैच के ऊपर कुछ काम है मज़ीद, इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे। इस वक्त तो नहीं, एक इसका पावर पंप का रह गया था वो, और उसके अलावा जी एक इसका हमने देखना है। 190 पे गाड़ी लॉक हो जाती है, तो ये चीज़ नोट की थी बस, मगर उसका व्लॉग नहीं कर सके मोटरवे पे। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी देखना है। एक मेरा ख्याल FR होता है और SLD होती है, वो हमने अब सोर्स आउट करनी है जो कंपैटिबल हो 2ZZ के लिए। तो चलें व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, दिखाएंगे आपको साथ साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। 7 Brothers और जैसे कि आपको बताया तो कुछ हैच के काम हैं। एक तो हमने स्टेयरिंग लिया है TRD का ओरिजिनल, तो वो दिखाते हैं आपको। इसके फ्लोर रबर मैट्स लिए हैं, जो टोयोटा के ओरिजिनल आते हैं रबर मैट्स होते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा कप होल्डर एक इसका नहीं था, वो काफ़ी मिस होता था हमें, तो वो मंगवाया है जो आपके गियर नॉब के आगे आता है, गियर लिवर के आगे, तो वो भी दिखाते हैं। तो उसकी इंस्टॉलेशन भी करवाएंगे आज ही। तो ये काम होता है, फिर इसके बाद जैसे टाइम मिल गया तो वो मीटर भी देखते हैं, पिक कर लें। वहाँ वसीम भाई को दिया था तो उनसे वो भी पिक करना है, तो फिर आगे साथ साथ जो भी चीज़ें होंगी आपको दिखाते हैं। और जी ये रहा हमारा TRD स्टेयरिंग व्हील। अब हमने बोला जहाँ हमने ख़र्चा कर लिया रिमो पे तो स्टेयरिंग भी लगा लेते हैं। तो ये हमें दिए हमाद ने अराउंड हैं, और कप होल्डर वो अभी लगाएंगे तो वो भी दिखाते हैं आपको। मैट्स मैंने वैसे अभी रख के देख लिए, काफ़ी मज़े की फिटिंग है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो इसके रबर की एक्सटेंशन है वो साइड वाले एजिस पे आ जाती है, तो जो कारपेट है आपका वो कम ख़राब होगा। दूसरे में वो एजिस रह जाते हैं तो वहाँ पर डस्ट अक्सर नीचे चली जाती है। तो ये है बाकी, ये हमारा स्टीयरिंग व्हील पड़ा हुआ है, ये वाला उतर जाएगा, वो लगाएंगे इंशाल्लाह। ये अपना हैच का अब आपको दिखाया है। दूसरी साइड में उस्मान भट्ट आए हैं, दोस्त ही हैं। 350Z है माशाल्लाह इनकी गाड़ी में। एयर सस्पेंशन है और एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट दूसरे लगाए हुए हैं, ब्रांडेड ही होंगे। यानी आफ्टर मार्केट कहने का मकसद ये है कि कंपनी वाले नहीं हैं। टेल लाइट कस्टम मेड है, खूबसूरत लगती है। एक इसका सिग्नेचर ये पोल बहुत प्यारा लगता है। मेरा ख्याल 11 या 12 JJ होगा रिम का साइज़, मुझे कंफर्म नहीं है, पर बहुत ही खूबसूरत पियानो ब्लैक पेंट है जैसे आता है। थोड़ा सा इनका बम्पर ख़राब हुआ हुआ है, तो वो बस अब करना है, इनने वापस ठीक इंशाल्लाह। साइड प्रोफाइल गाड़ी की बहुत ही खूबसूरत है, इंशाल्लाह ये गाड़ी बाद में इसका कोशिश करेंगे पूरा रिव्यू दें आपको। अंदर से इंटीरियर आपको दिखा देते हैं थोड़ा। इंटीरियर सीट इसकी कवरिंग हुई भी है, बाकी अपना टोटल जैसा आता है अपनी हालत में, साफ़ सुथरा, बड़ी केयर से रखी हुई है गाड़ी माशाल्लाह से। इनके पास पहले वो रिबर थी, वो भी बड़ी अच्छी रखी हुई थी संभाल के। अभी कुछ इस पर कुछ काम भी हुए थे इधर, 7 Brothers पे हुई थी गाड़ी। स्पॉइलर भी लगा हुआ है गाड़ी पे। तो ये है जी, अब आपको आगे कंटिन्यू करेंगे अपना 88 का ही। बस एक ये आई थी तो मैंने बोला आप लोग को दिखा दें थोड़ा सा। तो जी जैसे कि आपने देखा था अभी हम 7 Brothers पे थे, तो ब्रेक टाइम आ गया था, तो स्टेयरिंग तो अभी हमने फिटिंग करवाया है। बीच में ट्राई किया था मगर उसकी बॉस किट का इशू आ रहा है, वो बॉस किट चेंज करवानी पड़ेगी, तो वो तो आज नहीं होगा। और गियर जो है क्लच थोड़ा सा मसला कर रहा था, गियर तो नहीं क्लच मसला कर रहा था,
तो अभी मैं आया हूँ रिजवान भाई के पास, और अभी कार कैफ़े आए हुए हैं, द कार कैफ़े। शाहिद भाई निकले हुए हैं, उनकी रिबॉन खड़ी हुई है, और अभी हमारी गाड़ी पे रिजवान भाई चेक कर रहे हैं। वो एक तो क्लच ऑयल बहुत गंदा हुआ हुआ है, काला हुआ हुआ है, तो वो कर रहे हैं चेंज। तो देखते हैं, साथ साथ उसकी एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। ये रिजवान भाई आ गए, तो रिजवान भाई क्लच सिलेंडर खोलना है ऊपर वाला क्लच सिलेंडर, तो बस ये अभी करते हैं, एडजस्टमेंट हो जाए तो फिर मैंने जाना है E11। एक गाड़ी देखनी है दोस्त के लिए, टोयोटा एस्टिमा, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा देंगे पॉसिबल हुआ तो। तो ये सूरत हाल है, अब यहाँ से वाइंड अप होता है, चीज़ सॉर्ट आउट होती है तो फिर दिखाते हैं वर्कशॉप पे नई क्या गाड़ी है। एक तो RX-8 आई हुई है, एक ये 350Z है, ये वही वाली मार्केक्स है जो सैलाब में डूबी थी, तो वो है। एक ये कल्टस आई हुई है, इसका मेरा ख्याल इंजन ओवरहॉलिंग हो रही है, और ये वो V8 वाली। तो बाहर से मेरा ख्याल पेंट हो चुकी है गाड़ी, ब्लैक पेंट कर रहे हैं, पता नहीं पहले तो येलो करनी थी, नहीं अस्तर हुआ हुआ है, अस्तर मेरा ख्याल ब्लैक की है, इसका प्राइमर जो लगाते हैं ब्लैक भी नहीं है, ब्लू है, तो पता नहीं अब क्या कर रहे हैं ये, बाद में पता चलेगा। और एक ये मेरा ख्याल मेहरान आई हुई है, इसका काम चल रहा है डेंटिंग पेंटिंग का। और एक ये पता नहीं बच्चों की छोटी कुछ आई हुई है, जनरेटर टाइप इंजन है, बल्कि 70 का इंजन लगा हुआ है। तो ये है, और दूसरा शाहिद भाई गए में सिविक लेके, ईगल आए, जैसे कि आपको पता है उसका इंजन स्वैप किया था इनने, तो वो उसको लेके निकले में। ये इसका मेहरान का सामान है, एंड मेरे ख्याल डेंटिंग पेंटिंग का हो रहा है इसका इधर ही। तो ये सूरत हाल है जी, एक सिविक आई हुई है EG, और एक ये मेरे ख्याल BMW आई हुई है, इसमें जी मार्केक्स का इंजन डला हुआ है, और ये है सिविक। तो बस ये अपडेट्स हैं यहाँ वर्कशॉप की, बस अब काम होता है तो फिर E11 निकलते हैं। ये शाहिद भाई की सिविक है जी, इसमें बंपर वगैरह चेंज नहीं किए हुए, फोग लैम्प्स रिम्स चेंज कर दिए लास्ट टाइम, इसमें SI के थे आई गेस रिम, और किट वगैरह लगी हुई है इसका। अगर आप लोगों को प्रॉपर रिव्यू चाहिए तो इंशाल्लाह शाहिद भाई आएंगे, तो इंशाल्लाह कभी करेंगे, मगर कमेंट्स में बताइएगा अगर देखना चाहते हैं तो इसका प्रॉपर रिव्यू कर लेंगे हम। तो जी बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी लड़का आया है क्लच सिलेंडर वाली जो हमारी किट है अपर वाली, वो लेके आए हैं, तो इंस्टॉल हो जाएगी। अब देखते हैं टाइम मिलता है, गाड़ी से वो चेक करनी है टोयोटा एस्टिमा उसके हवाले से, तो फिर उसके बाद व्लॉग अपना एंड करेंगे। चेंज हो गया, नया डाल दिया, नया लग गया। इसके अलावा ये रही हमारी किट जो हमने ली है ब्रांड न्यू, वो लगाई है, और ये गार्ड का अच्छा वाला यूज़ किया हमने ब्रेक ऑयल, दूसरे वाले ये वाले सस्ते होते हैं। तो बस ये अब इसको चेक करेंगे, रिजवान भाई ज़रा बाहर गए, आते हैं तो फिर देखते हैं जी। अभी हम आ गए E11, और हैच का वो करवा लिया सिलेंडर चेंज, तो शुक्र है वो मसला सॉर्ट आउट हुआ है कुछ हद तक, पर एक वापस विज़िट होगा। तो ये खड़ी हुई है टोयोटा एस्टिमा जिसके लिए हम आए हैं, अभी ऑनर को कॉल करेंगे तो फिर देखते हैं गाड़ी के हवाले से। बारिश हो रही है इसलिए आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं करूंगा, बस आज का व्लॉग यहां तक था। उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा, बेसिकली व्लॉगिंग ही थी, गाड़ी के हवाले से कुछ चीज़ें हमने करनी थी तो वो आपको दिखाई हैं बस।